आज हम आपको बहस में न्योता देना चाहते हैं संसार के बहुत ही विख्यात फिलोसोफर नास्तिक के साथ डॉक्टर एंथनी फ्यू। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मसीह फिलोसोफर और इतिहासकार डॉक्टर गैरी हैबरमैस लिबर्टी यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी के डिपार्टमेंट के वर्तमान के चेयरमैन हैं। आज का विषय है क्या यीशु मुर्दों में से जी उठा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो किसी चमत्कार के बारे में देखता है वो स्वाभाविक रूप से यही सोचता है यहाँ कुछ गलती जरूर होगी। हाँ मैं ये मानता हूँ कि चमत्कार होते हैं तो भी हमें बहुत अद्भुत कुछ चाहिए। शायद सबसे पहले महत्वपूर्ण सच्चाई जिसका चेलों ने अनुभव किया होगा कि उन्होंने विश्वास किया है कि ये जी उठे यीशु का प्रकटीकरण है। जी अवश्य आप मुझे स्वाभाविक रूप में बता रहे हैं तो मुझे अपनी थ्योरी दीजिए कि ये कैसे हुआ, मतलब कुछ हुआ तो था यही सब कहते हैं। जी मैं सोचता हूँ कि ये एक शोक से संबंधित दर्शन थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे और किसी ने देखा होगा। सोचता हूँ कि टोनी खुद को गर्म पानी में झोंक रहे हैं। नंबर एक कब्र खाली थी और इसका खाली होना कोई कारण नहीं था। दूसरी बात कि चेलों को भ्रम था ये काम नहीं करते, इसके आधे दर्जन मैंने कारण दिए हैं। भ्रम को नहीं देखा, वो सही मनस्थिति में नहीं थे, यहाँ अलग समय जगह लोग स्त्री पुरुष थे, बाकी काम कर रहे थे। खाली कब्र ये जीवन नहीं बदलता, याकूब पौलुस हर कारण है। नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पौलुस ने सच में क्या देखा, उसने सोचा कि उसने जी उठे मसीह को देखा है, लेकिन वहाँ देखा जाने के लिए क्या था, और उसके साथियों ने जी उठे मसीह या और कुछ नहीं देखा। हर दोष निकालने वाला विश्वास करता है कि चेलों ने सोचा कि उन्होंने जी उठे यीशु को देखा है। मुद्दा यह है यदि चेलों ने सोचा कि जी उठे यीशु को देखा है और ब्रह्म काम नहीं करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि और कुछ काम नहीं करता है, हमारे पास यह अद्भुत घटना ही है। मसीहत मसीह के पुनरुत्थान पर खड़ी या गिर जाती है। यदि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो मसीहत सच्ची है, यदि वो नहीं जी उठा तो मसीहत झूठी है। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने लिखा यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास बिना बुनियाद का है, हमारा प्रचार बेकार है और हम अब भी पापों में ही हैं। हम आपको इस महत्वपूर्ण बहस में जुड़ने का न्योता देते हैं द जॉन एंकरबर्ग शो में। स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे मेहमान हैं संसार के दो महान फिलोसोफर और मुश्किल सवाल पर बहस होगी कि क्या यीशु मुर्दों में से जी उठा। इस पहले सेगमेंट में मैं आपको मेहमान के बारे में बताना चाहता हूं कि आप जानें कि ये कौन है। मेरे पहले मेहमान है डॉक्टर एंथनी फ्लू जो संसार में सबसे विख्यात फिलोसोफर नास्तिक हैं। ये प्रोफेसर हैं इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी के, साथ ही ये हमेशा प्रोफेसर रहे हैं फिलोसॉफी पर यूनिवर्सिटी ऑफ कियो में, किंग्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडन, क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और ये संसार के 12 यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं। इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज से एमए की डिग्री ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ कियो से। इन्होंने 23 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं, 12 से भी अधिक को एडिट किया है और सम्मानित जर्नल्स में 72 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं। ये तो केवल वही है जो मैं गिन सकता। अगर आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी में देखेंगे इसमें चमत्कार के बारे में लेख डॉक्टर फ्लू ने लिखे हैं, क्योंकि इस समय इन्हें पूरे संसार में ह्यूम स्कॉलर माना जाता है। मेरे दूसरे मेहमान है डॉक्टर गैरी हैबरमैस। ये फिलोसॉफी और थियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है लिबर्टी यूनिवर्सिटी लिंचसबर्ग वर्जीनिया में। गैरी ने डॉक्टर डिग्री पाई है मैनुअल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। इन्होंने 21 किताबें लिखी हैं और सम्मानित जर्नल में 110 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं। और दोस्तों मैं खुश हूं कि आप यहां पर आए हैं, हम अद्भुत चर्चा करने वाले हैं। और डॉक्टर हैबरमैस मैं सोचता हूं कि लोग अभी देख रहे हैं, हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वो कहते हैं कमॉन, यानी आप कहते हैं कि सबूत है, सच्चाई और इतिहास है। जब आप ऐसी मैगजीन देखते हैं जैसे न्यूज वीक और टाइम्स जो हर 6 महीने या 8 महीनों में आती है, उनमें से एक है यीशु का दर्शन, और इन मैगजीन में हर तरह की बातें हैं लेकिन वो कहते हैं कि इनमें बहुत ही कम सबूत हैं। अब आपने आगे आकर ये छोटी किताब लिखी है द हिस्टोरिकल जीसस, और अचानक आप इस सच्चाई के बारे में कहते हैं कि जब आप मिशिगन में अपनी पीएचडी कर रहे थे तो आप दोष निकालने वाले थे, और सच तो ये है कि इन सच्चाई ने आपको यीशु पर विश्वास में लाया और आपने कहा कि कम से कम 12 ऐतिहासिक सच्चाई हैं जिसे आज सब दोष निकालने वाले विद्वान मानते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि ये केस क्या है। आप शुरू कीजिए। खैर जॉन, उनमें से कुछ हाइलाइट्स पर जोर दूंगा। आज ये माना जाता है कि यीशु मरा क्रूसीकरण से, मतलब जॉन क्रॉसन और जीसस सेमिनार से। दूसरे लोग कहते हैं कि ये प्राचीन संसार में बहुत ही जानी पहचानी सच्चाई थी, वो गाढ़ा गया और अवश्य ही इस घटना से चेले पूरी तरह से डर गए थे। अब ये सच्चाई की कब्र खाली थी, इसे बहुत से विद्वान मानते थे लेकिन इस सूची के बहुत से लोग नहीं मानते थे। अब शायद सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये सच्चाई है कि चेलों ने अनुभव किया था और विश्वास करते थे कि ये उठे यीशु का प्रकटीकरण है। वो इसके परिणाम में बदल गए थे। पुनरुत्थान उनका मुख्य संदेश था जो उन्होंने यरूशलेम में प्रचार किया था। चर्च का जन्म हुआ और कुछ लोग हैं जैसे याकूब और पौलुस, जो पहले दोष निकालने वाले थे, एक परिवार का और एक बाहर का था, जिसने विश्वासियों को सताया था और वो भी मसीह के पास आए। अब अनुभव के द्वारा जो उन्होंने विश्वास किया था कि ये जी उठे यीशु का प्रकटीकरण है। और खैर आज बहुत से विद्वान हैं ऐतिहासिक यीशु के चलन में, वो तो मुझसे भी भाई बहुत आगे हैं। उन्होंने भी मेरे जैसे इस तरह सूची से शुरू किया था। ये तो समान भूमि है जिससे हम अपने डेटा को देख सकते हैं। टोनी, आप हैबरमैस की बातों के बारे में क्या सोचते हैं? जी, मैं इन सच्चाई पर विवाद नहीं करता। मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, लेकिन इन सबूतों की परिस्थिति में ये तो कई तरह से संतुष्ट नहीं करने वाली है। शुरू करें तो कोई नहीं जानता कि किस साल ये क्रूर क्रूसीकरण की और दूसरी घटना हुई थी, और ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। कोई भी जन्मदिन नहीं जानता है। वैसे तो बहुत से महत्वपूर्ण लोगों के जन्मदिन भी पता नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि हमारे सारे सबूत तो आधारित है विश्वास करने वाले लोगों द्वारा लिखे गए लेखों पर। उनमें से कोई भी खुद आंखों देखा गवाह नहीं था। और हमारे पास पूरी तरह से कुछ नहीं है यरूशलम के बाकी लोगों की ओर से कि हमें बताएं कि वो क्यों नहीं बदल गए और क्या सच में ये भूकंप और दूसरे चमत्कार हुए थे या नहीं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि शुरू के लेख लिखने वाले ही आंखों देखा गवाह नहीं थे। जी, आपके लेखों से मैं सोचता हूं कि आपने पौलुस को अलग रखा, ठीक है ना? लेकिन पौलुस अधिकारी आंखों देखा गवाह था, सुसमाचार के लेखक। बिल्कुल, और आपने ही बहुत सारे आधिकारिक पौलुस की किताबें खुद लिखी है। जी, और मैंने अवश्य ही वो उस समय यरूशलेम में नहीं था। जी, उस समय बाद वो वहां था जब स्टेफनोस पर पथरवाह हुआ। लेकिन साथ है, मैं बाइबल के बाहर के डेटा के साथ सहमत नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ हमारे पास हर बात के लिए बाइबल के बाहर डेटा है, सारा डेटा है। शायद चेलों का भावना छोड़कर ये अच्छी मानसिक सच्चाई है, लेकिन बाकी सबको केवल पौलुस द्वारा ही साबित किया जा सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनमें से अधिकतर को बाइबल के बाहर के लेखों से भी देख सकते हैं। यही है मेरी सारी सूची। ठीक है, हमें उदाहरण दीजिए, कुछ डेटा दीजिए। जी, पहला कुरिन्थियों 15 में मैं सोचता हूँ कि इस पर कोई सवाल नहीं है। ये तो सबूतों का मुख्य भाग है, मतलब दाहिने से लेकर बाएं तक। मतलब मुझे याद है कि इस सक्रिय विद्वान द्वारा इसे देखा गया था जो टोनी के बाएं ओर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हैबरमास के पास पहला कुरिन्थियों 15 को छोड़कर कोई अच्छा सबूत नहीं है। मैं सोचता हूं कि वो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पुनरुत्थान पर चर्चा कर सके, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 तो अद्भुत डेटा है जिसे पौलुस ने शुरू में ही लिखा ईस्वी सन 55 से 57 के बीच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वचन 3 में पहला कुरिन्थियों 15 में पौलुस कहता है कि उसने जो बात पाई वो दूसरों को भी दे दी। और ये डेटा यानी ये शब्द जो है दिया या पाया है, ये तो परंपरा को दूसरों को देने के टेक्निकल शब्द हैं। और जब आप इसे अलग करते हैं तो ऐसे देखते हैं कि पौलुस ने ये सब यरूशलेम में ही पाया था पतरस और याकूब से। ये पौलुस के लेख गलातियों 1:18 के अनुसार है। यहाँ जो शब्द उपयोग करता है ये दिखता है कि उसने जांच करने वाले रिपोर्टर की भूमिका निभाई है, और उसके तुरंत बाद जो संपर्क है यही सुसमाचार का स्वभाव है। तो मैं सोचता हूँ कि पौलुस बदल गया था क्रूस के 1.5 साल बाद, जो समय दोष निकालने वाले कहते हैं 3 साल बाद वो यरूशलेम में जाता है, यानी हम 35 की बात कर रहे हैं। चलिए कहते हैं कि 30 में क्रूस हुआ, सन 35 में यानी 5 साल बाद वो ये साहित्य लेता है पतरस और याकूब से। यानी जैसे प्राचीन इतिहास बताता है कि ये बहुत बहुत शुरू की बात है। और पतरस ने पौलुस को क्या मुख्य बात दी थी जिसके बारे में वो लिखता है? जी,
ऐसा लगता है कि पत्रस और याकूब से पौलुस का पहला कुरिन्थियों 15 के ये प्रकटीकरण मिले। और खैर बता दूं कि पौलुस को छोड़कर पत्रस और याकूब दो आंखों देखा गवाह थे, जिनका नाम है पहला कुरिन्थियों 15 में पौलुस की सूची में। यानी ये कसा हुआ नेटवर्क है जो हम देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास। और मैं सोचता हूं कि जर्मन दोष निकालने वाले इतिहासकार हैंस वॉन कैम्पेनहाउजन, उन्होंने कहा पहला कुरिन्थियों 15:3 से आगे हमारे पास वो साहित्य है जिसमें इतिहास के हर स्तर है जिसे प्राचीन टेक्स्ट में उपयोग किया जा सकता है, और वो भी बाई और बैठे थे। मैं जानता हूं कि टोनी पॉलूस की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास ये बहुत शुरू से है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। टोनी, आप क्या सोचते हैं पॉलूस को छोड़ी नाखून देखे गवाह के बारे में? जी, मुझे इसमें कुछ संदेह नहीं है कि वो ऐसा कुछ बता रहा था जो उसके साथ हुआ था, उसके साथ साथी थे। लेकिन वो जो बता रहा था उसके साथ वो संपर्क में था, उसने सोचा कि वो जी उठे यीशु को देख रहा है, लेकिन उसके साथियों ने कुछ भी नहीं देखा। संदेह है लेकिन कि उन्होंने केवल आवाज सुनी थी। जी, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पौलुस के साथी ये विचार कि उन्होंने वो नहीं देखा जो उसने देखा था, ये केवल प्रेरितों की किताब में है, हम इसे पौलुस से नहीं पाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यदि प्रेरितों को यही देखे तो मुझे और भी दूसरे साहित्य मिलते हैं जिसे प्रेरितों के काम में बताया गया है। लेकिन दूसरी बात है कि मैं आपसे सहमत नहीं, मैं सोचता हूं कि पौलुस कह रहा था कि यीशु शारीरिक रूप में उसके सामने प्रकट हुआ, और मुझे पसंद आएगा कि आपको पौलुस के लेखों से ये दिखा सकूं। अब हम ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और हम चर्चा करेंगे कि क्या यीशु मुर्दों में से जी उठा। हम चर्चा कर रहे हैं प्रेरित पौलुस पर, उसने याकूब और पत्रस से जानकारी पाई थी और किस तरह का पुनरुत्थान था, क्या ये आत्मिक था या फिर शारीरिक था या ये कोई भ्रम था या और कुछ था, वापस आने पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लौट आए, चर्चा कर रहे हैं दो अद्भुत मेहमानों से, डॉक्टर एंथनी फ्लू जिन्हें संसार में विख्यात फिलोसॉफिकल नास्तिक माना जाता है, और डॉक्टर गैरी हैबरमैस, ये विख्यात मसीह फिलोसोफर इतिहासकार हैं। इन्हें यीशु के जी उठने के सबूतों के बारे में माहिर माना जाता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है कि 12 सत्यों का भाग हम रखते जाए जिससे सब दोष निकालने वाले, यानी केवल इवेंजेलिकल ही नहीं लेकिन सब दोष निकालने वाले मानते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये डाटा क्यों स्वीकार करते? मैं सोचता हूं कि वो इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि अच्छी भूमि पर आता है। आज पौलुस को सब स्वीकार करते हैं, जैसे टोनी ने कहा, देखा जाए तो इस सूची में सब कुछ केवल पौलुस द्वारा ही साबित किया जा सकता है, और सब सोचते हैं कि यहाँ सुसमाचार और प्रेरितों से कुछ लिया जा सकता है। तो मैं सोचता हूं कि अच्छे सबूत के साथ आता है। ये 12 ही क्यों, ये तो ऐसा है जो मैं ऐतिहासिक यीशु के बारे में देख पाया, शायद दूसरों के पास और कोई सूची हो। और इस पर लोग सवाल पूछते हैं, गैरी मैं आपकी किताब से समझता हूं इन सब 12 के लिए बहुत से सबूत हैं, सभी इतिहास से हैं, आप इसके बारे में हमें बताइए। हम इनमें से कोई भी एक देखते हैं। अब टोनी, क्या आप सहमत हैं कि ये 12 सच्चाई विद्वान स्वीकार करती हैं? जी। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमारे पास ये सच्चाई है तो हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? टोनी, आप क्या निष्कर्ष देंगे? केवल इसी में से, यानी पौलुस को अलग रखते हुए कोई खास दिलचस्पी की बात नहीं। नहीं। ठीक है, यानी सच्चाई ये है कि इनमें से एक, यदि मुझे सही तरह से याद है, मैं इसे बताता हूँ, चेलों ने विश्वास किया था कि उन्होंने जी उठे यीशु का असली अनुभव किया था। जी, अवश्य ही आप इसे स्वाभाविक रूप से लेते हैं तो मुझे अपनी थ्योरी दीजिए कि ये कैसे हुआ, मतलब कुछ तो हुआ था, सब यही तो कहते हैं। जी, मैं सोचता हूँ कि ये शोक से संबंधित दर्शन थे, और देखा जाए तो वे सामान्य बात है। ऐसे लोग जो पति या पत्नी खो बैठते हैं या रिश्तेदार को, तो इसके बारे में व्याकुल होते हैं, तो अचानक इस तरह से महसूस करते हैं कि उन्होंने आसपास इसी तरह के व्यक्ति को देखा है उन्हीं के घर में। मैं इसे शोक से संबंधित दर्शन मानता हूं, और ऐसा कुछ नहीं था जिसे दूसरों ने देखा हो। आपने हाल ही में जैक कैंट की किताब पर रिव्यू लिखा है, द साइकोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द रिजरेक्शन मिथ, ठीक है, और मैं सोचता हूं कि ये आ रहा है फ्री मैगजीन में और दूसरों में। एक तरह से वो कह रहे थे कि दो कारण हैं जिसे वो मानते हैं कि चेलों ने यह अनुभव पाए थे, चेलों को शोक के कारण भ्रम हुआ था और पौलुस को बदलाव का दिमागी झटका लगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बदलाव के दिमागी झटके के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट रूप में से ये इस तरह है जो विलियम जेम्स ने वैरायटीज ऑफ रिलीज एक्सपीरियंस में लिखा था कि
इस तरह के अद्भुत धार्मिक बदलाव के केस में क्या हुआ? बहुत से लोग किसी आस्था से आते हैं तो बहुत धीमे रूप में बढ़ते हैं और ये सब, और ऐसे बहुत से केस है, इनमें से बहुत कुछ विलियम जेम्स के काम में देख सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। 15 साल पहले आप दोनों लोगों की बहुत ही अद्भुत डिबेट हुई थी, हम में से बहुत से लोग उसे चूक गए, मुझे इसके बारे में किताबों में पढ़ना पड़ा, लेकिन वो अद्भुत डिबेट थी। लेकिन जैक कैंट, जिनके लिए आप रिव्यू लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सी सच्चाई जो हैबरमास ने दी, जो उन्होंने बताई, वो तो बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। समस्या तो यही थी कि फ्लू के पास थ्योरी नहीं थी कि इन सच्चाइयों के बारे में बताए, और वो डिबेट खो बैठे। क्या आप इसी थ्योरी के साथ चलना चाहेंगे? जी जी, मैं सोचता हूँ कि पिछले 15 साल में मैंने यही सीखा है। आशा है कि इसके साथ और भी कुछ सीखा है, लेकिन ये बहुत व्यावहारिक है। आप लोग दोस्त हैं तो अपनी दोस्ती को थामे रहें। अब गैरी, ये बात की भ्रम काफी समय से था, लेकिन ये तो भ्रम का खास भाग है। यहाँ पर चेलों के लिए शोक का भ्रम है, इसके बारे में आप हमें बताइए, और साथ ही बदलाव का दिमागी झटका पॉलूस के लिए था, ये कितना सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सच है। चलिए हम इसे उल्टे क्रम में देखते हैं, चलिए पॉलूस को देखते हैं। इस किताब में जैक एंड बताते हैं कि पॉलूस को बदलाव से दिमागी झटका लगा, और ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं, मतलब ये सच में ऐसा भाग है, क्योंकि बहुत से लोग बदलाव के दिमागी भाग को नहीं देखते। वो DSM-3 के बारे में बताते हैं, जो साइकेट्री के लिए खास जांच का साधन है। यदि दमिश्क के मार्ग पर पॉलूस को इस तरह की दिमागी परेशानी हुई तो बहुत सी समस्याएं होंगी। चलिए इसे बताता हूँ। नंबर एक, डायग्नोस्टिक लिटरेचर में भ्रम के बारे में कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत जल्दी से अपना मन बदल देना है, थोड़े समय का है और चला जाता है। यानी दिमागी झटके से ये नहीं होगा, दोष निकालने वाले के लिए भी। बदलाव का दिमागी झटका, ये केंट की किताब से है। साथ ही सुनने का भी भ्रम होना चाहिए और देखने का भी भ्रम होना चाहिए, और अंत में पॉलूस को पकड़ा जाना चाहिए किसी महान साइकोसिस द्वारा, जिसे मसीहा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। केवल तभी पॉलूस से ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा और उसने मुझे आपको बताने के लिए कहा है। यानी एक साथ ये चार बातें होनी थी, वो है बदलाव का दिमागी झटका, दो अलग तरह के भ्रम और मसीहा कॉम्प्लेक्स। ये सब एक ही समय आने थे और फिर ये चला जाता है और हम इसे फिर नहीं देखते। चलिए मैं ये भी बता दूं कि कैपलिन द्वारा बताए खास रेफरेंस में और साथ ही दो और साइकियाट्रिस्ट द्वारा दिमागी झटका, इसके बारे में देखिए और सोचिए, क्या पॉलूस में ये दिखते हैं? 1 से 5 तक स्त्रियों के साथ होते हैं, और खासकर ये नौजवानों के साथ होता है, और खासकर गरीब लोगों के साथ होता है। ये कम बुद्धिमान लोगों के साथ भी होता है, और युद्ध में सिपाहियों के साथ होता है। ये मुख्य 5 समान परिस्थितियां हैं, इनमें से एक भी पॉलूस के लिए उपयोग नहीं होता है। जी हाँ, तो जब हम कहते हैं कि ये समस्या है, साथ ही दिमागी झटका और दो भ्रम भी हो, मसीहा कॉम्प्लेक्स, और चलिए हम जोड़ते हैं पॉलूस में इसके एक भी सबूत नहीं कि वो यहूदी विचार से मसीहियत में आना चाहता था, मुझे लगता है ये बिल्कुल भयानक समस्या है। शोक के भ्रम के बारे में बताइए, ये क्या है? जी ठीक है कि कैंट के अनुसार शोक का भ्रम चेले और याकूब के लिए लागू होता है, और खैर बता दूं कि वो धन्यवाद देते हैं कि ये लिटरेचर में है, कि शोक के भ्रम की कोई बात नहीं है, DSM-4 अब कुछ नहीं। अब टोनी ने सही कहा कि लोग भ्रम देखते हैं, लेकिन ये किस तरह के होते हैं? जो व्यक्ति शोक का भ्रम देखता है वो अकेला होता है। चलिए कल्पना कीजिए, बूढ़ी स्त्री है जिसका पति मर गया हो, वो रात को कमरे में अकेली हो, और मुझे याद है मैं चर्च में पास्टर था, वहां एक बहन कहती थी, डैडी कहाँ है, डैडी कहाँ है, और पूरे घर में चलती थी, उन्होंने यही कहा। शायद उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसे शौक का भ्रम है, लेकिन यह समस्या है कि लोगों के समूह ने यीशु को देखा। यहाँ पहला कुरिंथियों 15 में लोगों के 3 समूह हैं। ये बात भी बताइए कि वो डरे हुए थे, भ्रम डर के कारण नहीं आता है। भ्रम तो ऐसा है कि आप मजबूती से उस पर विश्वास करते हैं कि उसका चित्र बनाते हैं। यहां तक कि पौलुस के साथ भी बहुत से अलग अलग लोग अलग जगह पर थे, स्त्री पुरुष थे, भीतर और बाहर भी थे, चलते बैठे और खड़े थे, ऐसे बहुत कुछ है, और खाली कब्र भी है। खैर मेरे एक दोस्त ने भ्रम पर रिसर्च किया, वो किसी तरह से भी सामान्य नियम है, ये किस तरह से भी कोई बदलाव नहीं लाते हैं। जिन लोगों को ये है वो इसके बारे में बताते हैं। अब कोई कहेगा आप अपने पति को नहीं देख सकती हैं, जी हाँ हाँ आपने सही कहा, फिर यही कहते हैं जी, इस दिमागी बदलाव के बारे में बताना है
तो मैं इसमें माहिर होने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे ऐसे दिखाई देता है कि ऐसे बहुत से कारण थे कि पौलुस परेशान हो गए, क्योंकि वो मसीही लोगों को सताने में लगा था और कई बार इस तरह की घटनाओं में लोगों के मन बदल जाते हैं। ये किस तरह से हो सकता है कि पौलुस बदल गया दमिश्क के मार्ग में? वो विश्वासियों को बंदी बनाकर मारने वाला था और उसके लेखों से कोई सबूत नहीं मिलता कि वो बदलना चाहता था। वो उन लोगों के समूह में नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी समस्या है कि उसे एक ही समय पर चार बड़ी समस्याएं होगी: बदलाव का झटका, सुनने में भ्रम, देखने में भ्रम और मसीहा कॉम्प्लेक्स, यानी परमेश्वर ने मुझसे बातें की और संसार में सबके लिए मेरे पास संदेश है। ये चार है, ये उलझी हुई थियरी, ये चारों बातें एक साथ हो। मेरा मुद्दा है कि DSM में इस तरह के बदलाव के झटके नहीं दिए गए हैं, यानी यहाँ चार एक साथ समस्याएं हैं और ये तो पूरी तरह से असंभव है कि किसी के साथ बिना कारण के ही हो। उसके लेखों से देखिए जी, किस बुनियाद पर केंट ने इस तरह से कहा कि इस डेटा से इन सबूतों से उन्होंने ये बातें निकाली है, क्योंकि हम प्रेरित पौलुस से ये चित्र नहीं लेते हैं। क्या ये ज्यादा हाइपोथेसिस नहीं है? जी हाँ, अवश्य ऐसा ही है। और गैर मसीही सबूतों के द्वारा, गैर मसीही स्रोतों द्वारा हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि बड़े भरोसे के साथ इसे हम बना सके और सच में क्या हुआ इसके निष्कर्ष निकाले। जानते हैं, ये सूची को आपने बनाई है, ठीक है, इन बातों के लिए सबूत है, लेकिन ये तो बहुत अनजान होने की पृष्ठभूमि से आता है जो कि वहाँ पर था। मैं सोचता हूँ कि कोई कुछ करने का ही इच्छा रखे तो यही सलाह देगा कि किसी तरह से सबूतों का अनुवाद करें जो हमारे पास है, इस बात को सामने रखे बिना कि शारीरिक सच में देखी गई, जो वहाँ जो था उसे दिखाई दी और उन्होंने उसकी फोटो लिया और इस तरह की बात। बस हम यही इस पर चर्चा करेंगे, बाद में देखेंगे। गैरी, सारांश में बताइए कि कम से कम इस प्रोग्राम के लिए, और मैं यही करना चाहता हूँ कि इस मामले की जड़ तक जाएं, जैसे टोनी कह रहे हैं कि दूसरी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में क्या, उसके बारे में क्या। चार मुख्य ऐतिहासिक सच्चाई हैं जिसे आपने किताब में लिखा है और ये इन 12 में से हैं, जिसके पक्ष में आप ये कहते हैं कि इसके लिए बहुत से सबूत हैं, लगभग 44 से 49 अलग अलग स्रोतों के द्वारा, 129 कोट्स हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सारांश बताइए। जी, हम इस बात को देख रहे हैं कि टोनी जैक केंट के थीसिस को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि चेलों और याकूब को भ्रम हुआ था, शोक का भ्रम हुआ था और पौलुस को दिमागी झटका लगा। मैं सोचता हूं कि ये बात तो पूरी तरह से सही नहीं है। टोनी ने यह भी कहा कि हम बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम जो जानते हैं कि इन बातों के लिए बहुत सी सच्चाई दिखती है हर तरह से, साइकियाट्री से, साइकोलॉजी से, इतिहास से। लेकिन आपने सही कहा, मैं सोचता हूं कि ये चार मुख्य बात जिस पर हम फिर देखेंगे, मैं सोचता हूं कि हम पुनरुत्थान के करीब आते हैं। कम से कम 12 तो हमने देखा है कि उन्होंने यीशु को ही देखा था। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे अगले सेगमेंट में हम चार मुख्य ऐतिहासिक सच्चाई के बारे में चर्चा करेंगे जिसे प्राचीन स्रोतों से सहयोग दिया। मैं सोचता हूं आप जुड़ जाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे आज के प्रोग्राम का आनंद उठाया और फिर देखना चाहते हैं या दूसरे प्रोग्राम या विषय पर देखना चाहते हैं, तो बस हमारे फ्री जॉन एंकरबर्ग ऐप पर जाइए या हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाकर इसे देखिए। आप ये एपिसोड मुफ्त में देख सकते हैं हमारे जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर। आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये एपिसोड डाउनलोड कर सकते हैं $5 प्रति एपिसोड देकर हमारी वेबसाइट से jashow.org से। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि प्रभु के साथ आपके चलने में हम बल दें, आपको प्रोत्साहित करें। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे विश्वास करें या प्रार्थना कर यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो बस अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं और विश्वासी बने पर क्लिक कीजिए, जो आप हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में देख पाएंगे।
यहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे प्रभु यीशु से प्रार्थना कर उसे उद्धारक बनाए और जाने कि कैसे व्यक्तिगत रूप में उसका अनुभव कर सकते हैं। हम खुश हैं कि आज आपने हमारा प्रोग्राम देखने का चुनाव किया। आशा करता हूँ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जैसे हम एक और प्रोग्राम लेकर आएंगे आपको प्रभु में चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। गुड बाय, प्रभु आशीष दे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं। मरिया, ये तो यीशु की माता मरियम थी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ज्यादा कुछ नहीं, ये टालपियट मरियम है, टालपियट यीशु है, यहाँ टालपियट मरियम है। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते कि ये व्यक्ति कौन थे। जी, चलिए नाम की गिनती के बारे में देखते हैं। यदि आप इस तरह से देखते हैं, यरूशलेम की जनसंख्या लगभग 80,000 के आसपास थी। कुछ लोग कहेंगे कि कम थे तो कुछ कहेंगे कि ज्यादा थी। तो वहाँ 16,000 मरियम थी, क्योंकि शहर में हर 5 स्त्रियों में से एक का नाम मरियम था। मैं मजाक में कहता हूँ कि इसराइली लड़के मरियम से शादी के सपने देखते थे, क्योंकि ये निश्चित है कि जब वो किसी से शादी करेंगे तो उस लड़की का नाम मरियम हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए सबूत नहीं है कि ये कहे कि ये यीशु की माता मरियम ही थी? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सी मरियम थी। सब खास दावा है और हम इसे देखेंगे कि संयुक्त नाम महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत नाम नहीं। वो इसे जोड़ कर कहते हैं, ये तो अद्भुत है कि इन संयुक्त नामों को ले एक ही कब्र में, जबकि ये बात सच है। ज़रूर हमारे पास 1,000 नाम है जिसके बारे में 2,600 से भी ज़्यादा संभावनाएँ पाई जाती है। तो हर 1,000 नाम में, और ये तो पहला संयुक्त भाग है जिसका नाम में ये कॉम्बिनेशन है, तो ये थोड़ा अजीब है। लेकिन इसके साथ ही हमें एक समय एक बात को देखना है कि इसका अर्थ समझ सके। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर, और वहाँ पर प्रे टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।